हाइपरबोलिक फंक्शंस का ये चौथा वीडियो, वेलकम ऑल ऑफ यू। फार्मूली हम जारी रखेंगे इसमें भी, इसके पहले भी दो वीडियोस फार्मूली पे थे, इसमें भी आप कुछ फार्मूली देखिए। शुरू करते हैं, पहले तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं, इधर साइड में लिखा रहेगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज डिफाइंड बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन टू। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज डिफाइंड बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन टू। टेन हाइपरबोलिक एक्स इज डिफाइंड बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉट हाइपरबोलिक एक्स इज डिफाइंड बाई वन अपॉन टेन हाइपरबोलिक एक्स। सेक हाइपरबोलिक एक्स इज डिफाइंड बाई वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इज डिफाइंड बाई वन अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स। और इस डेफिनेशन में ई टू दी पावर एक्स का मतलब है वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम होल टू दी पावर एक्स। और इसकी वैल्यू होती है वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। इसमें जो ई सिंबल है ना, उसके बारे में थोड़ा सी बातचीत आपको हम बता दें। द इन्फाइनाइट सीरीज वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। इसके बारे में एक दिन हम बताए थे, आज फिर बता दे रहे हैं। एड इन्फिनिटम ये पूरा शब्द है, इसी को शॉर्ट में एड इनिफ लिखते हैं। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है अप टू इन्फिनिटी। और हिंदी में अनुवाद हो गया अनंत तक, अनंत पदों तक, अनंत तक बोलते लिखते हैं, इसका मतलब है अनंत पदों तक। ये जो सीरीज है, इन्फाइनाइट सीरीज है, इसका सम कितना होगा ये आज तक नहीं मालूम हो सका है। हाँ, ये अंदाजा जरूर लग गया है कि इसकी वैल्यू टू और थ्री के बीच में है। इस सीरीज पे सबसे पहले काम किया था लियोनार्ड आयलर ने। आयलर वॉज ग्रेट मैथमेटिशियन एज वेल एज ग्रेट फिलोसफर। इस यूलर, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, आप यूलर नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण वही होगा जो अंग्रेजी के इस शब्द का होगा आयलर। तो इसको आप पढ़ेंगे आयलर। आयलर ने इस सीरीज का पहली बार अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि यह सीरीज कन्वर्जेंट है। किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट हम तब कहते हैं जब उसके पास एक फाइनाइट सम हो। तो कन्वर्जेंट उन्होंने घोषित कर दिया कि सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका सम है, लेकिन वो सम कितना है वो आज तक नहीं निकल पाया। तो इन्हीं के सम्मान में इस सीरीज को, इस सीरीज के सम को मान लिया गया, एक कल्पना कर लिया गया कि जिसके भी बराबर है उसको हम ई से डिनोट करेंगे। तो ये ई से डिनोट किया गया और इतना अब चलन में हो गया कि अब ई को लोग क्वांटिटी जैसा समझने लगे। ई इज नोटेशन स्टैंड्स फॉर द सम ऑफ दिस कन्वर्जेंट सीरीज। तो ई का मतलब ये होता है। और अभी तक सिर्फ यही जानकारी है, टू इज लेस देन ई लेस देन थ्री, कितना है नहीं मालूम है। इसीलिए इस नंबर को अभी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए, जब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पता चल जाए, वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, तब फिर ये नेचर फिक्स होगा कि इरेशनल है या इरेशनल। फिलहाल अभी ये इरेशनल नंबर है। तो सारी चीजें हमने आपको बता दिया, बेसिक नॉलेज दे दिया। और ये जो साइन एच एक्स कॉस एच एक्स लिखा है, इसमें एच एक्स किसी समकोण त्रिभुज का कोण नहीं है। एच एक्स इज नॉट एन एंगल। हाइपरबोलिक फंक्शंस आर नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दीज आर स्पेशल फॉर्म्स
ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स से मिलकर बना हुआ है। ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू इज डिनोटेड बाई साइन एच एक्स एंड रेड हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स, हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स लेकिन शॉर्ट में पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। उसी प्रकार से इसको हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स शॉर्ट में पढ़ते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स। नामकरण में हाइपरबोलिक वर्ड कहां से आया ये मैं आपको बता चुका हूं कि साइन एच एक्स कॉस एच एक्स का कनेक्शन हाइपरबोला से है, इसलिए इनके नाम में हाइपरबोलिक आया और उसको दर्शाने के लिए सिंबल एच भिड़ा दिया गया है। फिर प्रश्न उठता है कि ये साइन कॉस टेन कॉट सेक को सेक क्यों लिखा गया, इनको डिनोट ही करना था, किसी और चीज़ से डिनोट कर दिया गया होता तो क्या बिगड़ जाता है, कुछ ना बिगड़ता प्यारे बच्चों। शुरू में जो लोग बिगनर्स होते हैं वो जो नोटेशन गढ़ दिए हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं। गढ़ा इसलिए गया साइन कॉस टेन जैसा क्योंकि आप पढ़ रहे हो देख रहे हो कि साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जो हरकतें हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हरकतों जैसी हैं, इसलिए नोटेशन में साइन कॉस टेन आदि डाला गया। ठीक, अब आइए हम लोग आज कुछ और फार्मूली देखें। आज जो हम फार्मूली उठा रहे हैं उसमें दो दो वेरिएबल्स रहेंगे एक्स और वाई। नंबर एक आज के लिए स्पेशल ए बी सी डी उसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि सब सिंगल एंगल वाले थे। अब नंबर एक ट्रिग्नोमेट्रिक करिस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक है, ये एंगल वर्ड जो निकला है तो एंगल वर्ड निकलेगा तो समझ लीजिएगा कि करिस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला दिमाग में है। हाइपरबोलिक पढ़ते समय एंगल शब्द बोलना गुनाह है। नंबर एक साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसका प्रूफ आप देखा चूंकि दो दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, देखो यहां गड़बड़ हो गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ऐसे दो दो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसलिए ऑसबॉर्न रूल की मदद हम नहीं ले पाएंगे। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाए साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू प्लस, देखो वाई और एक्स में गड़बड़ी हो जा रही, सावधान, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू इंटू ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन टू, ये लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई करिए वन बाई फोर कॉमन ले लीजिए, वन बाई फोर कॉमन दिस इंटू दिस लिख रहा हूं मैं, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, ओए माइनस वाई, ये रहा, इसे भी हटा दें, चेक कर लें, दिस इंटू दिस एक्स प्लस वाई दिस इंटू दिस एक्स माइनस वाई दिस इंटू दिस माइनस आएगा और ऊपर माइनस एक्स प्लस वाई होगा तो माइनस एक्स प्लस वाई दिस इंटू दिस माइनस एक्स माइनस वाई, ओके प्लस वन बाई फोर नीचे लिख देना, इधर तो आएगा ना ब्रैकेट, इनका मल्टीप्लीकेशन करिए इसी तरह से, e टू द पावर x प्लस वाई माइनस e टू द पावर x माइनस वाई प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस वाई को हम लिख दें माइनस x माइनस वाई और माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस वाई को हम लिख दें माइनस ऑफ x प्लस वाई, ये रहा। तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिए, एक जोड़ा ये कैंसिल हो गया
और एक जोड़ा ये भी कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है सेम है, इधर कोफिशियंट भी सेम है। अब जो बचे वो दूने हो जा रहे हैं, इक्वल्स टू 1/4 ब्रैकेट में ट्वाइस ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई माइनस ट्वाइस ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये अब आप डेफिनेशन से मैच कराइए, साइन वाले से मैच कराएंगे तो क्या लिख देंगे, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला आ गया। चलो सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये एक जोड़ा हो गया। नोट करिस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूली आर साइन ऑफ ए प्लस बी, या तो थीटा प्लस फाई लिख दें या तो एक्स प्लस वाई लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम वही लिख रहे हैं जिस रूप में आपको बिल्कुल याद है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, चलो एक्स और वाई के रूप में लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई एंड साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है ना, मिलाइए ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला एक जैसे है ना, और ये वाला एक जैसे हैं, एक ही नहीं है, एक जैसे हैं। तो जो मैं कहता हूँ ना कि हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी हरकतें हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हरकतों जैसी, गुणधर्मों जैसी हैं, इसीलिए नोटेशन गढ़ा गया ट्रिग्नोमेट्रिक जैसा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नंबर टू कॉस वाला उठाते हैं, नंबर टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस, उल्टा करके लिखेंगे इसको क्योंकि सीधा तो प्रूव करना बड़ा मुश्किल काम है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस वाई। इसका प्रूफ देखिए, कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल्स टू 1/2 ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू ई टू दी पावर वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन 2 प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2
इंटू ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई करिए, सब एक साथ लिखते हैं, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई को हम लिखते हैं माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई और प्लस ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये चार हो गए इन दोनों के प्रोडक्ट। नेक्स्ट फोर को हम कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं, प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस नहीं माइनस माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये रहा। देखो ये जोड़ा कट गया और ये वाला कटेगा ना, ध्यान से देख लो भैया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब जो बचे वो दूने हो जा रहे हैं ना, ये देखो यहाँ यहाँ दो दो बार है और ये दो बार है, इक्वल्स टू 1/4 टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस टू ई टू दी पावर ये माइनस ऑफ एक्स, वो ये क्या हो रहा है, देखो कुछ गलत कर दिया है, इस पे गलत लग गया ना, ये वाला इससे कटेगा और ये बचेगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू। अब इसको मिलाइए, ये है कॉस हाइपरबोलिक कॉफ एक्स प्लस वाई, जबकि त्रिकोणमिति वाले सूत्र में बेटा कॉस एक्स प्लस वाई बराबर होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इस हाइपरबोलिक वाले में यहां प्लस है। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स माइनस वाई। नोट, करिस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूली आर corresponding trigonometric formulae are cos of x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y and cos of x minus y equal to cos x cos y plus साइन एक्स साइन वाई, तो अंतर है ना इन दोनों में, इन दोनों में अंतर है, कहीं तो हूबहू एकदम एक जैसे आते हैं, कभी अंतर आता है, इसलिए सतर्क रहिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक हिसाब किताब सब अलग होता है, हाइपरबोलिक का सब अलग होता है। तीसरा ये देखें जरा, टेन हाइपरबोलिक को
टैन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, टैन हाइपरबोलिक एक्स प्लस टैन हाइपरबोलिक वाई अपॉन वन प्लस टैन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टैन हाइपरबोलिक वाई। इसका प्रूफ साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक के रास्ते से मिलेगा। टैन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस वाई इज डिफाइंड बाय साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस वाई। पहले तो डिफिनेशन लिखा हमने, अब साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू लिखिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई की वैल्यू लिखिए। कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, वी गेट टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, डिवाइड करिए इधर, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस, इससे डिवाइड करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस अपॉन दिस टेन हाइपरबोलिक वाई, यहां पे आ गया वन प्लस टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक वाई, ये आ गया। सिमिलरली tan hyperbolic of x minus y equal to tan hyperbolic x minus tan hyperbolic y upon 1 minus tan hyperbolic x into tan hyperbolic y। ये लाल रंग से लिखे हुए हैं हाइपरबोलिक के दो फार्मूले। नोट, करेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूली, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूली हम बराबर साथ साथ लिखते चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप कंपेयर करते चलें, कहीं कंफ्यूजन ना हो, आपको लगे कि वहां ऐसा होता है तो यहां भी ऐसा होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूली आर, बोथ आर डिफरेंट। टेन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है देख लें आप। एंड टेन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो आज हमने आपको दो वेरिएबल वाले फार्मूले बताए, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई।
थोड़ी सी बातचीत और करने का इरादा है मेरा एक्सपेंशन का। शुरू में हमने एक्सपेंशन लिखा था किसी वीडियो में, शायद पहले ही वीडियो में लिख दिया था, लेकिन वहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स का ही एक्सपेंशन लिखा था, टेन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन आइए हम लोग देखा। एक्सपेंशन ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स अलग से, टेन हाइपरबोलिक एक्स इज डिफाइंड बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव प्लस वन, इसका भी एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स टू दी पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस सो ऑन। इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन सिक्स प्लस एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन हंड्रेड ट्वेंटी होगा ना फैक्टोरियल फाइव, प्लस वन अपॉन वन प्लस स्मॉल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स टू दी पावर फोर अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस वन। इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन सिक्स प्लस एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस वन इंटू वन प्लस टी होल टू दी पावर माइनस वन, वन प्लस इसको हमने टी लिख दिया और इसको ऊपर उठा दिया। बताते चलें कि टी हमने क्या लिया है, वेयर टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स टू दी पावर फोर अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस सो वन। इतना ढंग से उतार लें फिर हम ऊपर ही लिखेंगे मिटा के। इसे मिटा देते हैं, जगह खाली करें। इंप्लाइज दैट टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन सिक्स प्लस एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस सो ऑन इंटू वन प्लस टी का एक्सपेंशन, वन माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी टू दी पावर फोर माइनस टी टू दी पावर फाइव प्लस वन अप टू इन्फिनिटी। एक्सपेंशन फाइनलाइज करने से पहले पहले हमको ये तय कर लेना होगा कि कितने पावर तक के टर्म्स को हम विजुअल रखेंगे। तो हमने तय कर लिया कि हम फिफ्थ पावर यानी एक्स टू दी पावर फाइव तक के टर्म्स को रखेंगे बस। इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस वन इंटू वन माइनस टी, टी यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स टू दी पावर फोर अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस अगर लिखना चाहे तो एक्स टू दी पावर सिक्स आएगा। हमने सोच लिया कि पांच पावर से ज्यादा पावर के टर्म हम लेंगे ही नहीं प्लस सो ऑन। फिर क्या है प्लस टी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स टू दी पावर फोर अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस सो ऑन होल स्क्वायर। तो इसका जब एक्सपेंशन करोगे तो इसमें मिनिमम पावर कितनी आएगी एक्स टू दी पावर फोर, लेकिन जब क्यूब वाला लोगे तो उसमें मिनिमम पावर आएगी एक्स टू दी पावर सिक्स जो हमें नहीं लेना है। तो इसलिए इसके आगे हम नहीं लिख रहे हैं, प्लस माइनस जो भी लिखना हो लिख करके प्लस सो आने से छोड़ दिए। ये रहा इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन सिक्स प्लस एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस वन इंटू
वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स टू दी पावर फोर बाई 24 प्लस पहली संख्या का वर्ग करिएगा तो आएगा एक्स टू दी पावर फोर अपान फोर, फिर इसके स्क्वायर में बड़ी पावर आएगी, इसके इसके प्रोडक्ट में भी छह पावर आएगा, बड़ी पावर आएगी, तो हम किसी को ले ही नहीं रहे, प्लस सो वन। ध्यान से कर रही, हमने तय कर लिया कि हम एक्स टू दी पावर फाइव से ज्यादा टर्म लेंगे ही नहीं। इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन सिक्स प्लस एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन 120 प्लस सो ऑन इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। इन गुणांकों को जरा बाहर निकल के जोड़ लो, वन बाई फोर माइनस वन बाई 24, 24 एलसीएम हो गया, और सिक्स माइनस वन कितना हो गया, फाइव अपॉन 24 प्लस फाइव अपॉन 24 इंटू एक्स टू दी पावर फोर प्लस सो ऑन। अभी सीरीज का इस सीरीज में मल्टीप्लीकेशन करिए, तय हम लोगों ने कर लिया है कि x टू दी पावर फाइव से आगे के टर्म्स रखेंगे नहीं, तो पहले हम x से गुणा कर रहे हैं, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन टू प्लस फाइव अपॉन 24 एक्स टू दी पावर फाइव, ठीक ना, ये हो गया। कलर हम बदल बदल के लिख रहे हैं ताकि ये पता चले कि पहले से गुणा किया तो ये लिखा, अब दूसरे से गुणा कर रहा है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन सिक्स माइनस एक्स टू दी पावर फाइव ना, इसका इसमें गुणा करोगे अपॉन 12, बस आगे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे तो एक्स टू दी पावर सेवन आएगा, लिखना ही नहीं हमको, हमको नहीं चाहिए। फिर इसको उठाइए तो हो गया प्लस एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन 121 में जब मल्टीप्लाई किया तब, फिर आगे गुणा करोगे तो एक्स टू दी पावर सेवन हो जाएगा, हमें चाहिए नहीं, हो गया। एक्स टू दी पावर फाइव तक के टर्म्स को हमने विजुअल रखा है, बकिया सो ऑन के खजाने में डाल दिए। यही एक्सपेंशन है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब दो जगह है प्लस वन बाई सिक्स माइनस वन बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर फाइव तीन जगह है, फाइव अपॉन 25 माइनस वन अपॉन 12 प्लस वन अपॉन 120 एक्स टू दी पावर फाइव प्लस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस ये थ्री बाई सिक्स है ना, तो हो जाएगा माइनस टू बाई सिक्स यानी माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री एक्स क्यूब। इसे बाहर निकल के अलग जोड़ लो, यहां क्यों गंदगी मचाए, एलसीएम हो जाएगा 120 और 24 पंजे 120 ना, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 माइनस 12 धाम 120 और प्लस 1, तो 25 में से 10 गया 15, 15 एक 16, 16 बटे 120 काटिए, 4 चौके 16, 4 तीन 12 और फिर दो से काटिए, दो दूनी चार, दो पंद्रह, दो बटे पंद्रह प्लस टू अपॉन 15 एक्स टू दी पावर फाइव, चूंकि इसमें पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आया था, फिर पॉजिटिव आया तो फिर हम माइनस लिख दें, माइनस वन, यही टेन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन है। टेन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा वो भी मैं लिख दे रहा हूं, नोट, टेन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस टू बाई फिफ्टीन एक्स टू दी पावर फाइव प्लस सो वन। देखो साइन एक्स के एक्सपेंशन में अल्टरनेटिंग सीरीज आती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, साइन हाइपरबोलिक एक्स के एक्सपेंशन में सारे टर्म्स वही होते हैं, चिन्ह सब पॉजिटिव हो जाता है, कॉस एक्स के एक्सपेंशन में चिन्ह पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के एक्सपेंशन में टर्म्स वही सारे होते हैं, चिन्ह सारे पॉजिटिव हो जाते हैं,
और टेन एक्स के एक्सपेंशन में टर्म्स सारे पॉजिटिव होते हैं, तो टेन हाइपरबोलिक एक्स वाले में नेचर बदल गया, टर्म्स सारे वही हैं, चिन्ह बदल गया, पॉजिटिव नेगेटिव सो ऑन। थैंक यू। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे कैलकुलस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस।